नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। जैसे हमने कहा था, आज देखते हैं राग भिन्न शर्जा। बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देता है ये राग, वैसे गाने भी इस राग में बहुत कम ही बने हैं। मदन मोहन ने इसको इस्तेमाल किया था फिल्म बावर्ची के लिए। आपको याद होगा गाना, तुम बिन जीवन कैसे जीवन। एक बड़ी अच्छी प्यारी ठुमरी भी है बड़े गुलाम अली खान साहब की, याद पिया किया है। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे इस्तेमाल हुआ है, वहाँ राग के अलावा कुछ और स्वर भी मिला दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भिन्न शर्जा क्या है, और हम रेफरेंस लेके निकलेंगे रागेश्वरी का, क्योंकि हमने कहा था कि रागेश्वरी में कुछ बदलाव करके हम भिन्न शर्जा की तरफ जा रहे हैं। तो रागेश्वरी था, बागेश्वरी से निकलता है लेकिन कोमल गंधार की जगह में शुद्ध गंधार हो रहा है। भिन्न शर्ज में शुद्ध गंधार तो है, अब बदलाव ये हो रहा है कि कोमल निषाद को बदल के हम शुद्ध निषाद कर रहे हैं। इसके बजाय ऋषभ को निकाल दिया हमने, जो था रागेश्वरी में अवरोह में ऋषभ का प्रयोग होता था, उस ऋषभ को हमने निकाल दिया, तो ये बचा। सागम सा ऋषभ है नहीं, निषाद शुद्ध है, काफी प्रबल है। अब ये प्रबल क्यों हो गया? इस गंधार के साथ वो मेल खाता है। उत्तरांग में जाएंगे, ये तो रागेश्वरी का ही पार्ट है, शुद्ध निषाद आ गया। और फिर ये ध माय कनेक्शन जो है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। मध्यम प्रबल है, एक बार आ रहा है वो गंधार से और दूसरी बार आ रहा है दैवत से। इस तरह मध्यम को आके स्थिर हो जाना, ये बहुत होता है भिन्न शर्ज में।
कंधार देवत निषाद सारे शुद्ध स्वर हैं और इनमें से कोई भी शुद्ध मध्यम के साथ में मेल नहीं खा रहा। शुद्ध मध्यम सिर्फ षड्ज से संवाद करता है, इसीलिए ये राग फिर थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा, थोड़ा सा अधर सा लगने लगता है। तो इस तरह बनता है राग भिन्न षड्ज। प्रयोग में कभी कभार शुद्ध ऋषभ थोड़ा सा घसीट कर आ जाता है। ज्यादातर ऊपर में षड्ज के ऊपर तार सप्तक में ये दिखता है हमें उस ठुमरी में। एक बहुत प्यारी बंदिश सुनते हैं, तीन ताल में है, अध्य में शुरुआत होगी। Thank you.
प्रिय था, बहुत ही मीठा राग भिन्न षज। अब इसी में और थोड़ा सा बदलाव करके हमें एक और नया राग मिलता है, राग हेमंत। देखते हैं अगले हफ्ते।